सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका सॉन्ग आ रहा है झूठी चाय जी, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? क्योंकि मैं देखा आपका सोशल मीडिया चेक किया, आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया हुआ है, तो मैं जानना चाहूँ किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से। बहुत प्यारा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ज़्यादातर लोगों ने ये कहा है कि हम इस मोल्ड में आपको देखते हैं, आपकी आवाज़ इस तरह के गानों में बहुत खिलती है। और मुझे भी, मैं भी ज़्यादातर ऐसे इन्जॉय करता हूँ, बिकॉज़ आजकल जिस तरह के गाने आ रहे हैं, अलग अलग टाइप्स के गाने हैं, देर इज़ अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्लुएंस, काफ़ी सारे ग्रूवी डांस नंबर्स भी हैं, विच विल आई विल ऑल्सो वॉन्ट टू डू एंड विल डू इन टाइम। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा लगाव इन तरह के गानों पर है, जो स्लो, रोमांटिक, मेमोरेबल, जिनमें एक प्यारी सी मेलोडी हो, लिरिक्स बहुत प्यारे हों। तो प्रिडोमिनेंटली मुझे ये बहुत अच्छा एक फीडबैक मिला है। एंड आई थिंक एक नया फीडबैक जो मिला है कि हमने इस स्केल पे आपकी आवाज़ ज़्यादा नहीं सुनी है, आप हमेशा यूजुअली मिड स्केल में या कहीं उसके थोड़े ऊपर होते हैं या लोअर पे होते हैं, ये थोड़ी ऊँची स्केल में पहली बार सुना है, तो थोड़ी आवाज़ खिल के आ रही है, ऐसा लग रहा है कुछ एक नया आ गया है। बहुत ही प्यारी वॉइस थी, मैंने सुना गाना। थैंक यू। हाँ साथी, मैं जानना चाहूँगा, ये काफ़ी यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर चाय का नाम लूँ तो नॉर्मल सा चाय तो सभी जानते हैं, नॉर्मल है, लेकिन इतना यूनिक सा कॉन्सेप्ट आपके मन में आया कहाँ से? यार ये मेरे और मेरे दोस्त जो है नमियो स्टूडियोज में गुड़गांव में, उनके साथ हमने ये प्लान किया था ऐसा कुछ करेंगे। और हम इतने सालों में जब भी हम कुछ कवर्स करते आए हैं, हमने कवर्स बनाए काफ़ी सारे, कुछ ओरिजिनल सॉन्ग्स किए हैं, तो हमारी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग दो चीज़ों पे हुई है। एक है पहाड़, क्योंकि हम कभी उत्तराखंड में हैं, कभी हिमाचल में हैं, वहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और दूसरी है चाय, हम बहुत ज़्यादा चाय पीते साथ में। और वैसे मैं चाय वाला बंदा हूँ नहीं, मैं कॉफ़ी वाला ज़्यादा बंदा हूँ, लेकिन उनके साथ मैं जब भी होता हूँ तो चाय अपने आप एक के बाद एक गड़ागट होती जाती है। एंड आई थिंक कहीं वहाँ से कॉमन ग्राउंड पे वो एक बात आ गई कि चलो चाय पे कुछ बनाते हैं। और चाय से फिर एक ये मेटाफर निकल गया कि चाय के साथ हम सबकी इतनी सारी यादें होती हैं, चाहे वो हमारी खुद की हो, हमारे दोस्तों की हो, हमारी फैमिली की हो, जब हम पूरे फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बैठते हैं। तो स्पेसिफिकली इन माय केस इट वाज मोर अबाउट कि इट इज़ अ मेटाफर फॉर ऑल द पुरानी यादें जो मेरे बहुत ही ख़ास लोगों के साथ है, जो दिल जब ही टूटा तो उनके साथ जो याद थी वो उस झूठी चाय के साथ रह गई है। सो वहाँ से ख्याल आया था। अगर चाय की बात करूँ तो चाय दिन की शुरुआती चाय से होती है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस सॉन्ग को लेकर, पूरा मैं वो जानना चाहूंगा। इस सॉन्ग को लेकर जब हमने बनानी शुरू की थी उस वक्त इट वाज जस्ट एन आउट एंड आउट रोमांटिक सॉन्ग। एंड उसमें बहुत ही जो एक प्यारी लाइन आती बीच में कि बिस्कुट की तरह मैं टूट गया था, चाय में तेरी मैं छूट गया था, इज ऑल वेरी नाइस राइमिंग शेर व शायरी वाले लाइन्स हैं और बहुत ही रोमानी है। बट जब उसकी लिरिक्स के गहराई में हम खुद ही घुसने लग गए, तब रियलाइज़ किया कि यार ये एक्चुअली है तो थोड़े पोस्ट ब्रेकअप सॉन्ग, रोमांटिक है लेकिन पोस्ट ब्रेकअप है, लेकिन इट्स नॉट अ सैड सॉन्ग, इट इज़ अबाउट ऑल दोज ब्यूटिफुल मेमोरीज जो आपकी होती हैं कि यार जब हम साथ में थे तब हम हमारी ये सारी यादें थीं और अब वो नहीं है, लेकिन इवन दो आप नहीं हो, मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपनी यादों के साथ बैठा हूँ, फिर भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, वो खूबसूरत यादें अभी भी मेरे साथ में हैं। एंड मेरा ये एक्सपीरियंस रहा इसके साथ। मुझे लगता है कि जब भी अगर मैं इसका वीडियो बनाता हूँ तो इसका एक अलग ही इंटरप्रिटेशन मैं वहाँ पर भी कर सकता हूँ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अभी तो सॉन्ग में देखा तो अभी आइडियो में वीडियो में आया है, तो वीडियो में देखने को मिलेगा? मैं फिलहाल एक बैंक बनाना चाहता हूँ ऑडियो का, क्योंकि जब मैं इससे पहले जब भी मैंने ओरिजिनल्स किए हैं, मैंने आई थिंक गिन चुन के भी बहुत ज़्यादा नहीं किए, बिकॉज आई एम डूइंग अदर थिंग्स एज वेल, लेकिन ओवरऑल शायद मैंने अबाउट 6 ओरिजिनल्स किए होंगे, आउट ऑफ विच अबाउट 4 आर जो मैंने खुद अपने बलबूते पे किए हैं, लाइक इट्स नॉट अ कोलैबोरेशन विद एनीबॉडी एल्स। तो उन गानों में मैंने रियलाइज़ किया था कि मैं ऐसे करता था कि हमने ऑडियो बना लिया फिर उसी टाइम पे शूट कर लेते हैं, उसमें प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है कि आपके पास एक बैंक नहीं होता। मैं इस बार कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ, पहले एक बैंक बना लिया जाए फिर वीडियो, तो क्योंकि मैं हूँ ही वीडियो के सामने का बंदा, वो मुझे बहुत पसंद है और घूमना घामना बहुत पसंद है, तो उसी के बेसिस पर कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन फिलहाल जितने ज़्यादा गाने बनाए जाए फिर वीडियो की हम वो दौड़ शुरू करेंगे। बात करूँ लिरिक्स की, बात करूँ कंपोजर की, तो बहुत ही कमाल का है, उसको लेकर क्या कहना है आपका इस गाने को लेकर? हाँ हाँ,
ये ईपी जो है इट्स कॉल्ड द रिटर्निंग एंड इस पे चार गाने हैं. तो ये वाला जो गाना था इनफैक्ट रिकॉर्डिंग के टाइम पे तीसरा गाना था. एंड आई रिमेम्बर कि यही गाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था क्योंकि ये स्लाइटली गज़लिश स्पेस में है जो अब मैं धीरे धीरे काफ़ी उसमें घुसने लग गया हूँ. लेकिन जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे उस वक्त मेरा इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था. बट माई फ्रेंड एट नम्योहो ही रियली इनक्रेज्ड मी क्योंकि हमने इतने सालों में जो हमारी दोस्ती भी बनी है कॉन्स्टेंटली मुझे पुश करना कि नहीं यू आर बेटर देन यू नो यू आर. तो बहुत ही बंदा बहुत ही प्यारा है और उसकी बड़ी ऐसी हमेशा सी रुमानी सी सोच होती है ज़्यादातर हार्ट ब्रेक की तरफ. तो हमने जब ये गाना साथ में बनाया तो उस वक्त हम दोनों को ही लगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं. ये मेरी फीलिंग तो डेफिनेटली है क्योंकि मेरा तो रीसेंट ब्रेकअप हुआ है, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है. लेकिन ये बड़ी खूबसूरत बात होती है कि जब कोई एक इमेजिनरी सिचुएशन में भी बहुत अच्छा कुछ लिख दे कि अगर आपकी लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही फिर भी आप हार्ट ब्रेक का लिख सके या वाइस वर्सा कि दिल टूटा हुआ लेकिन ऐसा प्यार का गाना लिखे कि लोग बोले कि वाओ कितना 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 प्यारा रिलेशनशिप होगा इसका. सो दिस इज़ द फीलिंग दैट वी हैड. एंड मुझे बहुत प्यारी लगी इसके शब्द स्पेशली जो मैंने पहले कहा था कि बिस्कुट की तरह मैं टूट गया हूँ, चाय में तेरी मैं छूट गया हूँ, मैं तो वहीं हूँ उस प्याले में, तू ही था जो मुझसे रूठ गया है. सो वेरी वेरी नाइस लाइन्स एंड समवेयर वेरी क्लोज टू माई हार्ट ऑल्सो कि मैं तो यहीं हूँ, मैं तो अभी भी प्यार में हूँ, आप नहीं हो यहाँ पे. झूठी चाय सुनाना चाहेंगे आप? झूठी चाय तेरी आज तक मुझे याद है, जुबा पे अब भी मेरे तेरे होठों का स्वाद है. बिस्कुट की तरह मैं टूट गया था, चाय में तेरी मैं छूट गया था, मैं तो वहीं हूँ उस प्याले में, तू ही था जो मुझसे रूठ गया था. रूठा सा वो चेहरा आज तक मुझे याद है, जुबां पे अब भी मेरे तेरे होठों का स्वाद है. के झूठी चाय तेरी कमाल का सॉन्ग है सर. थैंक यू. मैं पहली बार लाइव सुन रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बदमाश कंपनी आपकी आई थी बहुत पहले, आई थी मूवी में देखा था. एक्टर के साथ साथ आप इतना अच्छा गाना भी गाते हो पता नहीं था मुझे. ये एक्चुअली बड़ी कमाल की चीज़ होती है क्योंकि मुझे लगता था 90% ऑफ लोग जो मुझे जानते हैं वो ऑब्वियसली मुझे इंडियन आइडल से जानते हैं. तो वो सरप्राइज हो जाते हैं जब वो मुझे देखते हैं कि अरे आप होस्ट भी करते हैं, अरे आप एक्टिंग भी करते हैं. लेकिन एक बड़ा सा डेमोग्राफिक है जो मुझे सिर्फ एज एन एक्टर जानता है. तो जब भी मैं गाता हूँ वो उसमें सरप्राइज हो जाते हैं जैसे आप हो गए. सो ये मुझे बड़ा मज़ा आता है कि हर एक कुछ सालों के साथ कुछ जो हर एक नया ग्रुप आता है और आप एक फिर से रीडिस्कवर होते हैं एज एन आर्टिस्ट. आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू हैपन एंड इफ यू कैन कॉन्स्टेंटली सरप्राइज समबडी देन क्या ही बात है. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. आपका हाल ही में वेब सीरीज आया था असुर 2 और लोगों ने काफी प्यार दिया उस वेब सीरीज को. किस तरह का जर्नी था, क्या एक्सपीरियंस था? असुर 2 की जर्नी एक्चुअली काफी लंबी है क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे पहला सीजन रिलीज हुआ था एंड इट बिकेम वन ऑफ दो स्लीपर हिट्स क्योंकि बहुत ही बेहतरीन शो है. मुझे लगता है कि वन ऑफ द डिफाइनिंग फैक्टर्स ऑफ द शो है कि वैसे तो थ्रिलर्स भरे पड़े हर दूसरा वेब सीरीज़, हर दूसरी मूवी जो आजकल आ रही है एंड मैं कहूँ कि पिछले कई सालों से आ रही है, दे आर ऑल थ्रिलर्स, दे ऑल क्राइम थ्रिलर्स, छोटे शहरों में गुंडागर्दी ये वो. लेकिन इसमें जो एक बहुत ही डिफाइनिंग फैक्टर थी, एक जो सेपरेट करने वाली डिस्टिंग्विश करने वाली एक फैक्टर थी, वो ये थी कि हिंदू माइथोलॉजी को कितनी अच्छी तरह से वीव इन किया गया है और उसके दोनों पहलू दिखाए गए हैं कि हाउ रिच आर इंडियन कल्चर आर हिंदू माइथोलॉजी इज़, लेकिन अगर उसको मिस इंटरप्रेट किया जाए तो उससे क्या हो सकता है. मैंने पहला सीज़न देखा था, मुझे बहुत पसंद आया था, मुझे लगा था कि ये बहुत ही अलग तरह का शो है एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से वो हिट भी हो गया बहुत. तो मैंने सेकेंड सीज़न के लिए बहुत कैंपेनिंग की थी. मैंने
हम इसी बिल्डिंग में, आधा असुर का कास्ट तो इसी बिल्डिंग में रहता था उस वक्त, रिद्धि यहाँ पे रहती है, वरुण यहाँ पे रहता था, तो मुझे याद है मैंने उन दोनों को बहुत परेशान किया था, मैंने बोला था प्लीज़ मुझे डायरेक्टर से मिलवाओ, मुझे लगता है ये बहुत ही सॉर्टेड सुलझा हुआ बंदा है और यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगा कि असुर एक ऐसा शो हो सकता है जहाँ पर वन ऑफ द आई वुड से एडवांटेजेस दैट आई हैव एज एन एक्टर इसकी मैं अलग दिखता हूँ, तो कुछ स्पेसिफिक रोल्स हैं जो मेरे लिए ही बने हैं और मेरे पास आते हैं और मैं उन्हें सिक्योर भी कर लेता हूँ, लेकिन कई सारे ऐसे रोल्स हैं जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिलते हैं क्योंकि ख्याल में नहीं आता लोगों के कि अरे चैंग को भी इसके लिए कास्ट किया जा सकता है, तो असुर के लिए मुझे ओनी सेन के लिए हु इज़ आर डायरेक्टर हु इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर, मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसे इंसान हैं जो इस बात को समझेंगे, हमारे जो मेन राइटर हैं गौरव शुक्ला, आई फेल्ट दैट दीज गाइज आर वेरी, इन्हें एथनिसिटी लुक्स वगैरह से फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें इन्हें कैरेक्टर से मतलब है, एंड आई कुड ऑलरेडी सी सम काइंड ऑफ अ सेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन द फर्स्ट सीजन इटसेल्फ, तो उसके बेसिस पे मैंने रीच आउट किया, बहुत परेशान किया, फाइनली ओनी ने कहा कि ओके फाइन हमारे पास एक कैरेक्टर है पॉल का, हम उस टाइम उस वक्त उसका नाम नहीं था, उस वक्त इट वॉज अ वेरी हवा में था कि एक कैरेक्टर है हम उसको आपके हिसाब से ढालेंगे अगर आप फाइनलाइज हो जाते हैं, एंड उनकी पहली बात ये थी कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन आप बहुत यंग दिखते हो उस रोल के लिए, तो क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि पता नहीं बाल सफ़ेद कर लेते हैं, कुछ मेकअप से कुछ करते हैं, कुछ किया जाए, लेकिन वो कन्विंस्ड नहीं थे, एंड उसी वक्त सेकेंड वेव आ गया, हम सब के सब फिर घर पर बैठे रह गए, मैं उस वक्त पहाड़ों में था 2-3 महीनों के लिए, तो बाल बढ़ गए थे, दाढ़ी मूछ बढ़ गई थी, और तब मैंने जब वो फोटो भेजी तो बोलते हाँ अब आप लग रहे हो सही, तो मेरा ऑडिशन क्लियर हो गया था लेकिन मेरा लुक क्लियर नहीं हुआ था, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द कास्टिंग डायरेक्टर ऑल्सो हु रियली हेल्प मी आउट विद दिस रोल, क्योंकि जैसा मैं असुर 2 में हूँ वैसा मैं असल ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं हूँ, असुर 2 में पॉल जो है जो नॉर्थ ईस्ट से है ही इज़ अ वेरी हॉट हेडेड पर्सन, उसे उसके कंधों पर उसे ही लगता है कि मैंने बहुत बोझ ले रखा है, मुझे दुनिया को प्रूव करना है कि मैं कितना अच्छा हूँ, और वो अच्छा है भी, और वो चिप ऑन द शोल्डर लेके वो आता है कि ये लोग कुछ नहीं कर पाए, पिछले पता नहीं कितना महीनों से असुर के पीछे भाग रहे हैं, मैं आ गया हूँ अब मैं कुछ करूँगा, और वो जो एरोगेंस के साथ वो आता है, रूल्स ब्रेक करता है, अपने दोस्तों को मैनिपुलेट करता है टू फैब्रिकेट एविडेंस एंड इज़ नॉट अ टीम प्लेयर, ये सारी चीज़ें मेरे एक्चुअल नेचर के बिल्कुल विपरीत है, तो मुझे वो एक बहुत अच्छा एक एक्सप्लोर करने का मौका मिला, एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स दैट आई हैव गॉट अबाउट असुर 2 इज़ दैट आपने, हम आपको जानते हैं, हम जानते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं, विच इज़ वाई इट इज़ अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस, एंड आई एम जस्ट ग्लैड दैट इतनी अच्छी टीम के साथ, अरशद वारसी के साथ, सबके साथ काम करने का मौका मिला, आई हैव रियली एंजॉयड असुर 2। दो वेब सीरीज एक्चुअली मॉडर्न लव में हमने साथ में काम नहीं किया, हम अलग अलग एपिसोड्स में हैं, असुर में हमने साथ में काम किया, बहुत सारे हमारे मेजर सीन्स सब साथ में हैं, देयर वर टू थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम हिम, एक बात तो ये है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेनी चाहिए, अब असुर अगर आप शो देखें तो बहुत ही सीरियस शो है, शायद पूरे 2 सीजन में एक कोई ऐसा मोमेंट ऑफ लेविटी जो कहते हैं कि यार थोड़ी सी यहाँ पर राहत मिली, थोड़ी हंसी आई, ऐसा शो नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस शो, वेरी सेरिब्रल शो, तो ऐसे शो में उस टेंशन को काटने के लिए आई थिंक अरशद वारसी इज़ अ परफेक्ट पर्सन, और उनका एक्सपीरियंस जो है, क्योंकि जब कैमरा ऑफ होता है वो कॉन्स्टेंटली हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं, उनके पास इतने जुमले हैं, इतने जोक्स हैं, इतनी कहानियाँ हैं कि आप कॉन्स्टेंटली हंस रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि यार अभी टेक होने वाला है, अभी मुझे मूड में वापस जाना है, लेकिन यहाँ पर उनका एक्सपीरियंस बोलता है कि इमीडिएटली जैसे कैमरा ऑन होता था वो वापस कैरेक्टर में आ जाते थे, एंड ही वुड बी डेड सीरियस, जैसे डीजे का कैरेक्टर है शो में, सो दैट इज़ समथिंग दैट आई रियलाइज फ्रॉम अरशद वारसी कि यू नो वॉट, बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो, प्रिपेयर होके आओ, बीच में मस्ती मजाक खूब करो, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हो आपको भी रेडी होना चाहिए, एंड दैट इज़ समथिंग जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ वक्त के साथ आप सीखते हैं, जितना आप और भी ज़िंदगी से, कोचेस से, टीचर से सीखेंगे, जो आप देखते हैं उससे सीखेंगे, ये सब कुछ काम में आएगा, लेकिन व्हेनेवर अरशद वारसी इज़ अराउंड देर इज़ एब्सोल्यूट लाफ्टर, देर इज़ अ लॉट ऑफ कोलैबोरेटिव एफर्ट एज वेल, कि अगर उनको लगता है कि यार ये सीन थोड़ा बेहतर हो सकता है, इसमें हम कुछ और कर सकते हैं,
चाहे वो थोड़ा सा डायलॉग इधर उधर करके या अपने इंटरपर्सनल एज एक्टर्स डायनामिक चेंज करके, एंड बड़ी खूबसूरती से होता है. ऐसा नहीं होता कि मुझे ये ख्याल आया तो मैं करूँगा, तुम लोग संभाल, ऐसा नहीं है. विथ हिम इट वॉज अ ब्यूटिफुल थिंग दैट यू नो वट, मुझे ऐसा लग रहा है, क्या तुझे भी ऐसा लग रहा है? ऐसा करते हैं ना, साथ में सोचते हैं हम सारे एक्टर्स, डायरेक्टर, राइटर, हम सब साथ में बैठ के उसको सोचते हैं. और कई बार ऑन सेट, जो आजकल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में लिबर्टी नहीं मिलती क्योंकि सब कुछ एक टाइट स्केड्यूल पे होता है, टाइट बजट पे होता है, जल्दी जल्दी ख़त्म करना होता है सब कुछ, तो उसमें हमें असुर में ये लिबर्टी मिली कि हम कई बार सेट पे बैठे बैठे काफ़ी कुछ डिस्कस कर सकते थे कि इस सीन को और भी तगड़ा और भी मज़ेदार कैसे बनाया जा सकता है. सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम हिम, एंड ही इज़ रियली अ वेरी फनी पर्सन. उनके साथ आप रहो तो मतलब टेंशन तो दूर ही है. साथ ही मैं बात करूं ओटीटी की, तो लोग इस समय ओटीटी को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं और बड़े पर्दे पर मूवी देखना कम पसंद कर रहे हैं. जो बदलाव चल रहा है, आप किस तरह से देखते हो? मैं देखता हूं कि हर एक चीज का एक फेज होता है, एक वक्त होता है. OTT का इनिशियली ऑब्वियसली अगर बिल्कुल प्री OTT सक्सेस का एरा देखें तो ये वो वक्त था जब OTT बहुत सारा कंटेंट था लेकिन देखने वाले लोग नहीं थे, बहुत सारा कंटेंट बहुत खास भी नहीं था. तो एक टाइम आया है एंड उसको ऑब्वियसली कोविड का टाइम जो था, पैंडेमिक का टाइम जो था, जब हम सब घर पे बैठे हुए थे, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वक्त था. दैट हैज़ रियली हेल्प्ड द OTT बूम एज वेल. लेकिन उससे भी पहले अगर एज अ म्यूजिशियन मैं बात करूं तो द डिजिटल बूम हैड ऑलरेडी कम बिफोर दैट, थ्रू यूट्यूब, थ्रू स्ट्रीमिंग, थ्रू अपने ही सोशल मीडिया के थ्रू आप कोई भी गाने डाल सकते थे और आपको किसी चैनल, लेबल या किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती थी. सो आई थिंक ये वहीं से शुरुआत हुई है कि एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द होल प्रोसेस हो गया है कि अब आपके पास सिर्फ 5 उपाय नहीं है, अब आपके पास 50 हैं और आप वो 50 उपाय ले सकते हैं एज अ व्यूअर, एज अ कंज्यूमर, एज एन आर्टिस्ट, एज अ टेक्निकल क्रू, एज अ डायरेक्टर, स्टोरी टेलर, म्यूजिशियन, सब कुछ. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वन फॉर्मेट इज गोइंग टू रिप्लेस द अदर. मुझे नहीं लगता कि सिनेमा का वो प्यार थिएटर्स कभी भी जाने वाले हैं. वो आएंगे, मे बी द काइंड ऑफ मूवीज दैट दे हैव टू मेक विल चेंज, मे बी इट विल गो बैक टू वॉट इट यूज टू बी. OTT का भी एक फेज़ है. मुझे पर्सनली मैं कहूँगा मैं तो OTT से थोड़ा सा सैचुरेटेड हो गया हूँ. मैं अब बहुत कम टाइम स्पेंड करता हूँ लेकिन एट द सेम टाइम मैं OTT के लिए बनाता बहुत हूँ कॉन्टेंट. तो ये फेज़ है, ये आई वुड से इट इज़ एन एम्बेरसमेंट ऑफ रिचेज सो टू से, कि अब चॉइस ही चॉइस है हमारे पास, एंड दैट इज़ बोथ गुड एंड बैड. अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हैं, कि मुझे यही कंज्यूम करना है और ये कंज्यूम नहीं करना है. आई थिंक दैट ऑल ऑफ देम विल को एग्जिस्ट. हर वक्त, हर बार जब कुछ नया आता है तो लगता है कि यार ये पुराना गया अभी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेडियो को ले लें, लेकिन रेडियो अभी भी है, TV आया, इंटरनेट आया, OTT सब कुछ, थिएटर्स वगैरह, बट रेडियो स्टिल देयर, किताबें अभी भी हैं विद डिस्पाइट एवरीथिंग. सो आई थिंक ऑल ऑफ इट हैज़ द कैपेसिटी टू coexist, it just keeps evolving into different formats. जैसे रेडियो अब हमारे फोन्स पे भी आ गया है, किताबें अब ई-बुक्स भी हो गई हैं, ऑडियो बुक्स भी हो गई हैं, एंड द लाइक. साथ ही मैं बात करूँ आज महात्मा गांधी जी का डे है, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? मैं आज सुबह एक रेडियो पे कोई इंटरव्यू सुन रहा था किसी का, और RJ ने पूछा कि गांधी जी ने जो कहा था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो, और अगर कोई आपको एक गाल पे मारे तो आप दूसरा गाल सामने कर दो, वो कह रहे थे आज के ज़माने में, किसी से पूछ रहे थे कि आज के ज़माने में आपको लगता है कि ये वैलिड है? एंड कम से कम 3-4 लोगों से पूछा, सब ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ये 47 के लिए ठीक था, 40s के लिए ठीक था, आज के ज़माने में ये नहीं बैठता है. एंड मैं बहुत सच बोलूँ विदाउट बींग डिप्लोमेटिक और शुगर कोटिंग इट, कहीं कहीं मैं भी थोड़ा ऐसा सोचने लग गया हूँ. मैं भी थोड़ा सा जब मैं बहुत ही विद्वान लोगों के साथ बैठता हूँ, बहुत ही जो मुझसे सीनियर हैं, जिन्होंने कितना वक्त देखा है, क्या क्या कुछ नहीं देखा है इंडिया में होते हुए, मैं जब उनके साथ बैठता हूँ और मुझे लगता है कि यार मैं जितना भी होपलेस हो जाऊँ, मुझे जितनी भी लगे कि उम्मीद नहीं है, ये तो शहर, ये तो देश ऐसे ही होने वाला है, मैं उनसे बात करता हूँ ये सोच के कि शायद वो मुझे कुछ एक सांत्वना देंगे कि नहीं नहीं डोंट वरी, वी हैव सीन इट ऑल, सो वी लेट मी टेल यू दैट देयर इज़ होप. बट जब मैं उनसे भी सुनता हूँ कि इसका भी एक दौर आएगा, हो सकता है कि अभी इतने साल या इतने जितना भी वक्त है बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा, हम एज इंडियंस, एज पीपल, वी हैव
चेंज्ड फॉर द वर्स एंड मे बी ये फिर से अच्छाई आने में टाइम लगेगा, अगर अगर माइथोलॉजी के हिसाब से लगा सत्ययुग फिर से आने में टाइम लगेगा। तो जब मैं वो सब सुनता हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा संदेह होता है कि यार ये जो इतनी अच्छी अच्छी टीचिंग्स दे के गए हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स, गांधी जी जो हमें बता के गए अहिंसा का पाठ, सेल्फ रिलायंस का पाठ, सच बोलने की जो एक लेसन दी थी उन्होंने, वो कहाँ तक हम आज के ज़माने में अप्लाई कर सकते हैं आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है कि उनकी जो भी टीचिंग्स थी उनमें कुछ गलत नहीं है। हम उन्हें सिचुएशन के हिसाब से परख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो उन्होंने कहा था अगर हम एक आइडियल वर्ल्ड में, यूटोपियन वर्ल्ड में उसे अप्लाई कर सकते तो क्या ही बात होती। सब शांत हो जाता माहौल, शांत हो जाता माहौल। एक कहीं पे मैं एक और इनका किसी ने कोट किया था कि लोगों को लगता है कि अगर सामने से कोई आके आपको अग्रेसिवली एनकाउंटर करे तो आप कैसे बोलेंगे कि मैं शांत रहूँगा, मैं अहिंसा का पाठ पढ़ूंगा, ये तो कायरता हो गई। और उसके बदले में किसने कहा था कि अहिंसा कायरता नहीं है, इनफैक्ट अहिंसा इज नॉन वायलेंस इज द बिगेस्ट फॉर्म, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ करेज, क्योंकि किसी से बदला नहीं लेना, किसी पर हाथ नहीं उठाना रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज। थप्पड़ मारने को तो कोई भी मार दे, गाली बोलने को तो कोई भी बोल दे, लेकिन खुद को रिस्ट्रेन करना, वो नहीं करना, वो बहुत करेज मांगता है। So I do believe in his teachings. I hope that I will not stay so skeptical anymore. I hope कि हम जितने भी लोग हैं, चाहे वो कम ही लोग हों, वो मैसेज गांधी जी का आगे लेके जा सकें और जितने लोग हैं वो उसे उसका पालन भी कर सकें। साथी आने वाले समय में हम आपको बड़े पर्दे पर या OTT पर देख सकते हैं? जी फिलहाल एक बड़े पर्दे पे शायद अगले साल, आई डोंट नो, आई एम अज्यूमिंग अगले साल रिलीज होगी। मेरी एक पिक्चर है उलझ, उसका नाम है, जानवी कपूर, मैं, गुलशन देवाया, रोशन मैथ्यू, एक बड़ी कमाल की फिल्म है, सुधांशु सारिया ने डायरेक्ट की है। इट्स अ डिप्लोमेटिक थ्रिलर एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि ये एक्चुअली इतने सालों से मैं क्योंकि इस वेब सीरीज़ कर रहा हूँ तो ये मूवी एक्चुअली काफ़ी सालों बाद है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। गाने तो आ ही रहे हैं, 3 ऑलरेडी इन द पाइपलाइन है और बहुत बन रहे हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट ऑल ऑफ दैट। फैंस को मैं, आप सभी फैंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच कि इतने साल गुजरते जाते हैं, अभी मुझे बॉम्बे में हो गए हैं 16 से 17 साल एंड कॉन्स्टेंटली विद एवरीथिंग दैट आई हैव डन आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, हमेशा सपोर्ट किया है एंड एवरीथिंग दैट आई हैव अचीव्ड इज बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। जब बुरा काम किया है तो आपने बताया भी है कि नहीं ये ठीक नहीं है, जब अच्छा काम किया है आपने बहुत सराहा है, आपने हमेशा इनकरेज किया है इवन ड्यूरिंग द टाइम विच हैव नॉट बीन गुड, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई विल नॉट टेक योर सपोर्ट फॉर ग्रांटेड, आई विल कॉन्स्टेंटली कीप इम्प्रूविंग और आपके लिए मैं गाने, रोल्स, होस्टिंग बहुत कुछ करता ही रहूँगा। थैंक यू ऐसा ही हो, थैंक यू सो मच।